बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज का ये टॉपिक प्रिपरेशन के अलावा एक बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है जो मोस्टली लोग पूछते रहते हैं कि पीपीएससी में सिफारिश या एफपीएससी में सिफारिश होती है या नहीं होती। मैं साथ ऐड कर देती हूँ बाकी भी एग्ज़ाम जहाँ पे मतलब एफपीएससी एंड सीएसएस, ठीक है, कंप्लीट हम लोग इसको, या कोई भी एग्ज़ाम फेवरिज़म आप कर लें कि कहाँ पर फेवरिज़म होता है या नहीं होता। इसको स्टार्ट करने से पहले सिफारिश होती है या सिफारिश नहीं होती, एक छोटा सा वाक्य सुन लें कि एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ हिजरत कर रहे थे मदीना शरीफ की तरफ, तो जन्नतुल बकी की तरफ से आ रहे थे। तो रास्ते में एक बकरी उनको नज़र आई जो मुर्दा हालत में थी, मरी हुई थी, और उस बकरी को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। मतलब वो गल सड़ जाती है ना, गल्स जो डेड बॉडीज़ गल सड़ जाती हैं, उस तरह की वो कंडीशन में थी और उसको कीड़े मकोड़े खा रहे थे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा कराम से कि आप लोगों में से कौन बंदा ये बकरी ख़रीद सकता है, ख़रीद ले, या ख़रीदने की चाहत रखता है, कोशिश करता है, या मतलब फ़ोन ले सकता है इसको। तो सहाबा कराम ने फरमाया हुज़ूर पाक कि ये तो बकरी एक तो मरी हुई और ऊपर से इतनी गली सड़ी हुई हालत में हम कैसे ले सकते हैं। तो हुज़ूर पाक ने फरमाया कि दुनिया के जो हम दुनिया के आसाइश और आराम बिल्कुल इसी सौदे के मानते हैं कि इसको कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी गली सड़ी हुई चीज़ है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये घाटे का सौदा है। आप मरी हुई बकरी क्यों लेंगे, आप इतने पैसे दे के मरी हुई बकरी क्यों लेंगे, कोई अक्लमंद इंसान तो ये नहीं करता। लेकिन जब हम लोग इसको जब हम लोग रियलिटी में आप बात करते हैं इस तरह के मामलात में, तो हम लोग बेसिकली मरी हुई बकरी, जो गली सड़ी हुई बकरी है, उसी का हम सौदा कर रहे होते हैं ये काम करके, ठीक है। तो इसी एग्ज़ाम्पल के साथ, इसी किस्से के साथ मैं आपको इसका बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम पीपीएससी में एफपीएससी में सीएससी में सिफारिश होती है, मतलब मेहनत करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, हम क्यों मेहनत करें, या हमें तो वो चीज़ नहीं इतनी लग रही। अब मैं आपको एक बड़ी मज़े की इसमें बात बता देती हूँ कि देखें, अल्लाह के सामने हमेशा इसके अलावा भी मैं वैसे नॉर्मली बात कर रही हूँ, कोई रिलेशनशिप, एसोसिएशन, कोई मामला हो ज़िंदगी का, उसमें अल्लाह के सामने अपने आप को बहुत क्लियर रखें। लोग जो भी कहें, आपको कामयाबी हो, आप नाकाम हो, लोग जो भी कहें, जैसा भी हो, कुछ भी हो आपके साथ, अल्लाह के सामने अपने मामलात बड़े क्लियर रखें। जैसे कि अगर आपका पीपीएससी में आप दिन रात मेहनत करते हैं, मतलब आप कोई कसर नहीं छोड़ते, आपको भी पता, ये एक बात आपको पता होगी या अल्लाह को पता होगी कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप मेहनत करते हैं सही, अपने एक जो आपकी होती ना एक बर्दाश्त, एक लेवल से बढ़ के मेहनत करते हैं, तो आपके सामने, समझे, आपने अल्लाह के सामने ना अपना जो एक वो केस है ना वो क्लेरिफाई कर दिया, ठीक है, अल्लाह को आपने बता दिया और दिखा दिया कि मैंने इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की है। तो अल्लाह जानता है कि आप कितने एलिजिबल हैं और कितने नहीं हैं। तो जब आप कि सिफारिश की वजह से आपकी वो मेहनत किसी और के हिस्से में चली जाती है, तो आप यकीन जाने आपकी एक एक रात, आपकी एक एक मिनट लम्मा जो आपने मेहनत की है, उसका वो जो उस बंदे ने आपकी वो मेहनत चुरा ली आपसे, तो उसका उसको नुकसान लाजमी होगा, ठीक है। इस बात का एतमाद रखें, यकीन रखें। ये बात अगर आपके दिल में आ जाती है ना कि यकीन क्या चीज़ें हैं, या इंसान जो कामयाब है उसकी किसी कामयाब इंसान से पूछ लें, उसके पीछे जो एक चीज़ है ना वो यकीन है। आप यकीन रखें कि आपने मेहनत की है और आपको इसका फल लाजमी मिलेगा। पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस को एंड नहीं है। मैं आपको स्टोरी कभी बताऊंगी कि मतलब बहुत सारे लोग सिलेक्ट होके भी छोड़ देते हैं क्योंकि मैटर नहीं करता कुछ लोगों के लिए चीज़ें, तो ये भी कभी हम शेयर करेंगे आपके साथ स्टोरीज़ भी। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि जो सिफारिश करवाता है या करता है, उसकी सिलेक्शन शायद थोड़े टाइम के लिए हमें लग रहा है कि वो सिलेक्ट हो गया और जी बड़े वो तो बड़े उसकी हो गई है, मतलब सिलेक्शन होगी और बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन वो बड़ी आर्जी है, वो बड़ी टेम्प्रेरी है। उसकी कमाई हुई जो रोज़ी रोटी होगी, बरकत नहीं होगी उसमें, वो हराम माल कंसिडर किया जाएगा, उसके बच्चे हराम माल खाएँगे और वो ख़ुद खाएगा, तो उसकी उसकी ज़िंदगी में समझे बरकत ही उठ गई है सिर्फ एक ही छोटा सा काम करने की वजह से, ठीक है। आप लोगों ने जिस चीज़ पे यकीन रखना है, अगर आप लोग उन लोगों में से हैं जिनकी सिफारिशें हैं और वो करवा सकते हैं, मैं आप लोगों से कहूँगी इतनी छोटी चीज़ के लिए अपना ईमान ना बेचें। ये बहुत छोटी चीज़ है, ईमान बहुत बड़ी चीज़ है जो जिसने आपको आखिरत में भी सुरखरू करवाना है। सिर्फ इतना सोचिएगा, ये इतनी सी छोटी सी पोस्ट के लिए आप कर तो रहें, एंड पे क़यामत वाले दिन कैसे जाएँगे हुज़ूर पाक के सामने कि हाँ भाई इतनी छोटी सी पोस्ट के लिए
हम लोगों ने सिफारिश करवा ली थी और किसी की दिन रात की मेहनत हम लोगों ने खा ली थी, बस सर इस वजह से क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा था या रिसोर्सेज या रेफरेंसेज ज़्यादा थे। तो जी ये थोड़ा सा अगर हम लोग इसको जूम आउट करके देखें ना, अगर हम यूँ ही देखना शुरू हो जाए ना, PPSC FPSC CSS तनख्वाहें अलाउंसेज उनकी फैसिलिटीज़ ये देखना शुरू कर देंगे तो हम कहेंगे दुनिया बस यही है, इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं और ऊपर से खड़े होकर देखते हैं कि इस्लाम के सामने या हमारी हम इस्लाम जैसे मोमिन इस बात पर यकीन रखते हैं दुनिया और आखिरत का, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें क्या मैटर करती हैं, तो आपको पता चलेगा कि इतनी ख़ास को मैटर नहीं करती। ठीक है जी, तो अपनी जो लोग इसकी वजह से मेहनत नहीं करते कि सिफारिश होती है, तो आप बहुत आप अपना मामला अपना केस अल्लाह के सामने हल्का कर रहे हैं। अल्लाह तो कहेगा कि ठीक है भाई तुमने मेहनत करनी थी ना, तुम मेहनत करते मैं ना देता तो चलो एक और बात थी, तुमने मेहनत भी नहीं की उस तरह की, तो फिर उस लिहाज से फिर आपको जो केस है वो डाउन हो जाते हैं और फिर आप गिले शिकवे करने की और उस पोजीशन में नहीं रहते। ठीक है, और आप मजलूम नहीं बनते कि जब आपको कोई एक यू नो सॉफ्ट कॉर्नर हो या आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा किया जाए ताकि आप दोबारा से ठीक हो जाएं, मोटिवेट हो जाएं, तो उस चीज़ के लिए आपने जो काम करना है दैट इज़ ओनली मेहनत। ठीक है, मज़ीद और बहुत एग्जांपल्स ऐड हो सकती हैं, स्टोरीज़ ऐड हो सकती हैं इस चीज़ में, लेकिन टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। आप लोग अच्छी सी प्रिपरेशन करें, जो प्रॉब्लम है पूछें, वी वुड ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको पूरे पूरे रिसोर्सेज अवेलेबल करें, सारी चीज़ें आप लोगों को के लिए दें। बेस्ट ऑफ लक, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।